हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ 2013 से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कोई छोटे बिजनेस ओनर हैं या बड़ा बिजनेस चलाते हैं और अगर आपकी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग है अपनी, ठीक है, तो बहुत बार आपको ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि आपकी उस बिजनेस लिस्टिंग को गूगल सस्पेंड कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ कि अपने बिजनेस लिस्टिंग जो कि सस्पेंडेड हो गया है उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं। इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसके कारण आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है गूगल की वो सस्पेंड होती है, ठीक है, और सस्पेंड होने के बाद कौन से स्टेप बाय स्टेप टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस लिस्टिंग को 100% रीइंस्टेट करा सकते हैं। मतलब 100% आपकी लाइव होनी ही होनी है, कोई उसमें रोक नहीं सकता, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वो जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए। आपका बिजनेस, आपका ऑफिस उस पर्टिकुलर लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पे आपने बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा जब देखेंगे तो आपको लाइव पता चलेगा कि हमने किस तरह से अपने बिजनेस लिस्टिंग को, जो कि ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, गूगल उसको रिस्टेट करने से मना कर दिया, 3 बार 4 बार मना किया गूगल, फिर भी हमने क्या किया कि अपने बिजनेस को लाइव कर लिया है, ठीक है, और सारे डेटा जो अगर हमारे सेम है और आज हमारा बिजनेस वो लाइव चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप ही अपने गूगल में बिजनेस पेज को रीइंस्टेट कर सकते हैं और जो सस्पेंडेड हो गया है उसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गूगल में बिजनेस पेज है क्या। तो गूगल में बिजनेस पेज गूगल की तरफ से एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा फैसिलिटी आप कह सकते हैं, आपको एक सुविधा प्रदान करती है गूगल, जिसमें आप अपने बिजनेस के नाम से एक लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, और जब भी आपके बिजनेस के नेम को कोई सर्च करता है तो आपके बिजनेस लिस्टिंग जो है वो राइट साइड में गूगल आपके बिजनेस के नेम को, बिजनेस के इमेजेज को, जो भी फोटोज अगर आप अपलोड करते हैं, फिर आपके कस्टमर अपलोड करते हैं उन सारे फोटोज को, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपके बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर है उसको, रेटिंग रिव्यू, जितने भी आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स आपके रेटिंग और रिव्यू देते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने 5 रेटिंग दिया, किसी ने कुछ रिव्यू लिखा, तो वो सारे रेटिंग रिव्यू को भी डिस्प्ले कराता है। साथ साथ आपके बिजनेस का कैटेगरी क्या है, साथ साथ आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, ठीक है, आपके बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन से सर्विसेज हैं, ये हर एक चीज़ की जानकारी जो होती है वो गूगल बिजनेस पेज के अंदर में दिखाती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ नेम से ही नहीं आपकी बिजनेस लिस्टिंग दिखती, बल्कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो हर एक कीवर्ड से जब कोई सर्च करता है तो आपकी बिजनेस लिस्टिंग वहाँ पे दिखती है। बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस लिस्टिंग गूगल का, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे कस्टमर मिलते हैं, ठीक है। अगर लीड्स जनरेशन की मैं बात करूँ तो लीड जनरेशन में, ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन में, जहाँ पे कोई भी आप एजेंसी को पे नहीं करते, फ्री में जो लीड जनरेशन होता है उसमें गूगल में बिजनेस पेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई मोबाइल में ब्राउज करता है, आपकी कंपनी को सर्च करता है या आपके सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज़ को सर्च करता है गूगल के अंदर जाकर, नियर बाई में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है वो सारे कंपनी का डिटेल वहाँ पे लिस्ट करके गूगल दिखाना शुरू करता है। और एक खास चीज़ इसमें है कि जब आप मोबाइल से, जब भी आपके कोई कस्टमर मोबाइल से ब्राउज करता है तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल टू एक्शन के लिए कॉल का बटन दिया रहता है और डायरेक्टली आपके कस्टमर्स आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आपसे चैट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आपके एड्रेस देखकर उस डायरेक्शन के थ्रू आपके स्टोर पर भी जाकर वो विजिट कर सकते हैं। तो इतना सारा महत्व है आपकी गूगल में बिजनेस पेज का। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आपकी बिजनेस लिस्टिंग जो है गूगल की वो सस्पेंड क्यों होती है। तो देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूँ स्क्रीन के पास, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाना चाहता हूँ कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग करते समय जो मेन चीज़ होता है वो होता है बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस में जो यूज होने वाला कॉन्टैक्ट नंबर है वो, बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस का अबाउट डिस्क्रिप्शन, बिजनेस में जो सर्विसेज हैं वो सारे पार्ट्स, बिजनेस के फोटोज, ठीक है, फोटो जो भी फोटोज भाई ओनर होता है, इंटीरियर का फोटो होता है, एक्सटीरियर का फोटो होता है, टीम का फोटोज होता है। तो इतने सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद गूगल एक कंसिडर करता है कि यस, यू आर द जेन्यून बिजनेस लिस्टिंग, आपका जो बिजनेस लिस्टिंग है वो जेन्यून है। समटाइम्स सस्पेंशन के जो 80-90% जो केसेस आते हैं वहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके बिजनेस लिस्टिंग के वो अनफुलफिल्ड होते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि आपने सिर्फ नेम डाला हो बिजनेस का, फोन नंबर डाल दिया हो और एड्रेस डाल दिया हो। तो ये सिर्फ 3 चीज सफिशियंट नहीं होते हैं गूगल बिजनेस के लिए। आप देखते हैं जब आप गूगल बिजनेस पेज को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे स्कोर भी दिखाता है, आपके गूगल बिजनेस पेज में स्कोर भी दिखाता है कि आपने 70% स्कोर को अचीव किया हुआ है, आपने 80% स्कोर को अचीव किया हुआ है। तो एक स्कोर होती है यहाँ पे, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अपने गूगल में बिजनेस पेज का उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाता है।
ठीक है, तो मैं बता रहा था कि 80-90% जो केसेस आते हैं गूगल मैप बिजनेस पेज सस्पेंशन के, उसका मेन रीजन होता है कि अनफुलफिल्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं। जहाँ पे अनफुलफिल्ड इन्फॉर्मेशन वाले सस्पेंशन होते हैं, उसको रीइंस्टेट करने में आपको काफ़ी कम समय देना पड़ता है, काफ़ी कम मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जो 10-20% का जो केस होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। उस तरह के सस्पेंशन में आपके दिमाग खराब हो जाते हैं, आप जल्दी उसको रीइंस्टेट नहीं कर पाते। अगर कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर नहीं है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो 100% वो उस बिजनेस लिस्टिंग को लॉस कर देगा। ही विल लॉस दैट बिजनेस लिस्टिंग इफ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द गूगल टीम प्रॉपरली। ठीक है, तो जो 20% कॉम्प्लिकेशंस वाले केसेस होते हैं, उसमें क्या रीजन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि एक ही एड्रेस पे एक से ज़्यादा बिजनेस लिस्टिंग हो, उस कंडीशन में आपका अकाउंट सस्पेंशन होता है और वो जल्दी रीइंस्टेट नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक ही कॉन्टैक्ट नंबर को आप हर जगह पर यूज कर रहे हो, जबकि आपका कोई मल्टीपल स्टोर नहीं है। गूगल आपसे साफ साफ पूछता है कि अगर आपके बिजनेस के मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप वहाँ पे टोल फ्री नंबर वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टोर्स भी नहीं है, एक स्पेसिफिक बिजनेस है और उस बिजनेस से रिलेटेड ही आपने 5-5 अलग अलग बिजनेस पेज बना रखा है, तो उस कंडीशन में भी आपके सस्पेंशन 100% होते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ याद आया हमें इस वीडियो को बनाते बनाते, कि आज से लगभग 5 साल पहले की मैं केस बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय क्या होता था कि जब हम लोग बिजनेस लिस्टिंग करते थे तो वहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं होता था। अभी क्या है कि जब आप बिजनेस पेज को लिस्टिंग करने जाते हैं तो लगभग 12 दिन के अंदर आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस में गूगल की तरफ से पोस्ट कार्ड आता है, जहाँ पे आपके कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं जिससे आपका बिजनेस पेज वेरीफाई होता है। पहले के कंडीशन में क्या होता था कि गूगल में जैसे ही आप बिजनेस लिस्टिंग को करते थे, मोबाइल नंबर डालते ही आपका जो अकाउंट था, एक कॉल या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है। कुछ केसेस में आजकल ऐसे भी होते हैं, कुछ केसेस मैं देखता हूँ कि जब हमारी टीम कोई क्रिएट करती है तो वहाँ पे शायद अप्रूवल की नीड नहीं होती, जो भी कभी फ़ोन से भी आपका अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो मैं जो बात बता रहा था कि उस समय क्या था कि सिर्फ फ़ोन से अप्रूवल मिल जाता था। उस समय बहुत सारे ग्लिचेज और बहुत सारे कंप्लेंट्स गूगल के पास इस वजह से आते थे, क्योंकि होता यह था कि बिजनेस मेरा, मान लो कालकाजी में, हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो कालकाजी में है। हमने क्या किया कि सिर्फ रैंकिंग पाने के वजह से, इफ़ योर इंटेंशन इज टू गेट द रैंकिंग ऑन द मल्टीपल लोकेशंस, लाइक हमें लक्ष्मीनगर में रैंकिंग चाहिए, मयूर विहार में रैंकिंग चाहिए, कनॉट प्लेस में रैंकिंग चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने बिजनेस को कीवर्ड डाल के, अपने बिजनेस को कीवर्ड से पूरा फुलफिल्ड करके, कीवर्ड से सजा कर अलग अलग लोकेशन में हमने लिस्टिंग कर दिया। तो उससे क्या होता था, मयूर विहार में कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहा है तो भी हमारी लिस्टिंग आएगी, कनॉट प्लेस में कर रहा है तो भी हमारी लिस्टिंग आएगी। तो इस तरह के जो कारनामे होते थे, गूगल ने इसके ऊपर पूरा का पूरा लगाम कस दिया हुआ है। अब चोरी छुपे अगर गूगल उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है, तो अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, एक एक बिजनेस का मल्टीपल पेजेस चल रहा है, लेकिन गूगल कभी ना कभी उसको कैचअप करेगा और उस तरह की लिस्टिंग को 100% वो सस्पेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि जहाँ पे आपका एड्रेस नहीं है वहाँ पे भी आपको बिजनेस लिस्टिंग दिखाए जाते थे, जहाँ पे लिस्टिंग है वहाँ पे तो आपका बिजनेस लिस्टिंग है ही, वहाँ का तो लोकेशन दिख ही रहा है, जहाँ पे आपके ऑफिस नहीं है वहाँ का भी लिस्टिंग आपका विजिबल होता था, जिसके कारण जो कस्टमर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे। अगर वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडलेंट भी होता था इसमें, काफ़ी फ्रॉड्स भी होते थे काम इसमें, कि बिजनेस दिखा दिया गया कि इस लोकेशन में है, वहाँ से पैसा भी ले लिया गया, लेकिन जब यूजर वहाँ पे विजिट करते थे तो उनके पास, उनको पता चलता था कि वहाँ पे कोई इस तरह का बिजनेस ही नहीं है। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिसमें गूगल काफ़ी सारे अकाउंट को सस्पेंड करना शुरू कर दिया था। और कुछ मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ जिसके कारण आपका गूगल अकाउंट सस्पेंड होता है। कुछ और रीजन्स में है, जैसे कि किसी कॉम्पिटिटर ने आकर गलत कमेंट कर दिया आपके गूगल माई बिजनेस पेज में कि भाई आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, या फिर आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। उस गुस्से में आकर आपने क्या किया कि उसको गलत वर्ड्स में आपने रिप्लाई भी कर दिया। गूगल हमेशा कंसीडर करता है कि उसके कस्टमर्स जो हैं, उसके यूजर हैं, उनको कोई दिक्कत न पहुंचे, चाहे वो आपके वर्ड्स हों, आपकी बिजनेस लिस्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि गूगल हमेशा अपने यूजर के लिए काम करता है और यूजर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है गूगल। चाहे वो सर्च की आप बात कर ले, एड्स में बात कर ले, या ऑर्गेनिक की बात कर ले, बिजनेस लिस्टिंग की बात करें, यूट्यूब में बात करें, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए चाहता है कि उनके यूजर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो अगर उनके यूजर को तकलीफ होगी आपके कुछ वर्ड से, उनको खराब लगेगा, तो गूगल उस कंडीशन में भी आपके अकाउंट को तुरंत सस्पेंड करता है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, आप किसी के कॉपीराइट इमेजेज को आप अपने बिजनेस पेज में अपलोड करते हैं तो उसके कारण भी आपके अकाउंट सस्पेंड होता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, गूगल जब आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है ना, तो वहाँ पे एक भी बार बताता नहीं कि क्यों सस्पेंड किया गया, बस ये कहता है कि क्वालिटी इशू के कारण आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया।
ठीक है। तो इतने सारे रीजन्स मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने अकाउंट को सेफ रखना है तो सबसे पहले आप करिए कि सारे इन्फॉर्मेशन को आप इंटर करिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप गूगल माई बिजनेस पेज को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो गूगल ये समझेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो नेम ऑफ द बिजनेस होता है कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। यहाँ पे आप एक्यूरेट अपने बिजनेस का नेम डालिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं अपने बिजनेस नेम के साथ साथ वहाँ पे कीवर्ड्स को इंटर कर देते हैं। तो देखिए जब तक गूगल में चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपको सस्पेंड करेगा गूगल उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार हमने उनके गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम किया हुआ है। और जिस अकाउंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अकाउंट भी हमारा सस्पेंडेड अकाउंट है। आप अब सोच रहे होंगे कि सस्पेंडेड अकाउंट है तो इसको हमने रीइंस्टेट कैसे किया, हम कैसे दावा कर रहे हैं कि हमने इसको रीइंस्टेट किया हुआ है। तो मैं आपको भी आगे चलकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इस अकाउंट को फिर से लाइव करवाया है गूगल की तरफ से, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले आपको नेम देना पड़ता है। नेम के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैटेगरी डालना है। कैटेगरी में मार्केटिंग एजेंसी हमने डाला हुआ है, उसके बाद एड्रेस डाला हुआ है हमारा, एड्रेस के बाद सर्विसेज एरिया। सर्विसेज एरिया जब आप बिजनेस पेज को क्रिएट करते हैं उस समय ही आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने एड्रेस के अलावा अपने कस्टमर के एड्रेस पर भी जाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे अपने सर्विसेज एरिया को डाल सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, 110019 हमारा पिन कोड है। अगर हम लोग सर्विस 110020564647484849 ये सब जगह पे देते हैं डोर टू डोर, तो हम लोग यहाँ पे अपने सर्विसेज एरिया में अपने पिन कोड को डाल सकते हैं, लोकेशंस को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस की, आप कितने बजे से कितने बजे तक ऑफिस को खोलते हैं, कितने बजे आपका ओपनिंग टाइम है, कितने बजे आपका क्लोजिंग टाइम है। तो यहाँ संडे को जैसे हमने क्लोज कर रखा है, बाकी मंडे को 10 बजे से 7:30 बजे तक, सारे दिन 10 बजे से 7:30 बजे तक हमारी ऑफिस खुलती है, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को डाला हुआ है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स हैं, अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल आवर्स, अगर आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक आवर्स हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्व त्यौहार है, कुछ है ओकेजन है आपके ऑफिस में, कुछ सेलिब्रेशन है आपके ऑफिस में, तो स्पेशल आवर्स में यहाँ पे अपनी टाइमिंग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपको स्पेसिफिक अपने बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का URL इंटर करना पड़ता है, ये आपकी वेबसाइट का URL है। प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो जो आपके सर्विसेज हैं बहुत सारे चीज़ आप डाल सकते हैं। ये कुछ नए एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली ऐड किए गए थे कोविड की वजह से, सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये नॉट दिखा रहा है, अगर आप चूज करते हैं तो यस वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज का ऑप्शंस जो जो है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो सकता है, ऑन साइट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो मेजर चीज़ होता है वो होता है आपके बिजनेस का अबाउट सेक्शन, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी बिजनेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि आपके बिजनेस का डिटेल क्या है, कब आपका बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया, क्या क्या आपके सर्विसेज हैं, कौन कौन से आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं वो सारे वर्ड्स को आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए ना, मैं ये भी बता रहा हूँ, तो आप अपने कीवर्ड्स बेस्ट सेंटेंसेस को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपको रैंकिंग में बेनिफिट मिलता है। मैंने आज तक के करियर में एक्सपीरियंस किया है कि इस वाले पार्ट में जब आप कीवर्ड्स वगैरह को इंटर करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग करना है, आपको सेंटेंसेस में ही कीवर्ड को पिरो कर डालना है, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारे पार्ट हैं, अगर इन सारे पार्ट्स को आप फुलफिल कर देते हैं तो आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ फोटोज वाले पार्ट में। फोटोज वाले पार्ट में आकर आपको क्या करना होता है कि अपनी टीम का, अपने एक्सटीरियर का, अपने इंटीरियर का, हर जगह का फोटोज वगैरह आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी फोटोज वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फोटोज हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑफिस में जितने भी सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं हर चीज़ का फोटोज वगैरह है। हम लोग जो आउटिंग वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, वहाँ का भी फोटोज वगैरह है। तो इतने सारे फोटोज वगैरह हैं जो कि बहुत सारे व्यू भी हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे व्यू भी हैं हमारे फोटोज के, अच्छे खासे व्यू भी हैं। तो फोटोज से क्या होता है कि गूगल कंसिडर करता है कि जो बिजनेस लिस्टिंग है वो जेन्यून है, ठीक है। अभी भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना जेन्यून है फिर सस्पेंड क्यों हुआ था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अभी राज है, कुछ देर के बाद मैं उसको रिवील करने वाला हूँ कि हमारे अकाउंट सस्पेंड क्यों हुई थी, क्यों हमारे अकाउंट सस्पेंड हुई, इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन के बावजूद, इतने अच्छे रिव्यू के बावजूद, ठीक है, हमने हर एक गाइडलाइन को फॉलो किया उसके बावजूद भी हमने एक चीज़ का मिसिंग किया था जिसके कारण हमारी अकाउंट है वो सस्पेंड हो गई थी। तो ये हो गए फोटोज वाले पार्ट। आप
प्रोडक्ट्स में भी जाकर देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट का भी लिस्टिंग किया हुआ था, जो हमारे अलग अलग सर्विसेज हैं उसी को हमने प्रोडक्ट में डाला हुआ था, क्योंकि ये सारे पैकेजेज हैं, तो पैकेजेज को एज अ प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं तो उसको हमने इंटर किया हुआ था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको इंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप इंटर करते हैं तो गूगल कंसीडर करता है कि आपका जो बिजनेस पेज है वो जेन्यून है, लेकिन ये जो एक धब्बा है सस्पेंडेड का, ये बहुत ही धब्बा खराब है और हम लोग अब आकर बात करने वाले हैं कि इस धब्बे को किस तरह से हटाया जाए, मीन्स सस्पेंशन को किस तरह से हटाया जाए। तो देखिए, सस्पेंशन को हटाने का सिंपल एक तरीका है कि आप अलर्ट मोड के ऊपर क्लिक करिए। जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, अगर इससे नहीं होता है तो भी मैं बताऊँगा कि क्या करना है और किस तरह से हम रिस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल, कोई भी बिजनेस प्रोफाइल है उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है सस्पेंडेड अकाउंट को, यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आपको किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे आइए, थर्ड नंबर में है ना, रिव्यू द गूगल माई बिजनेस गाइडलाइंस, आप उसको रिव्यू कर लीजिए, साइन इन कीजिए, और साइन इन करने के बाद रिक्वेस्ट फॉर दियर रीइंस्टेटमेंट, रीइंस्टेटमेंट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रीइंस्टेटमेंट के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्या है कि एक फॉर्म फिलअप करना होगा, वो फॉर्म स्टेप बाई स्टेप होता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आता है गूगल की तरफ से, गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस के गूगल माई बिजनेस की तरफ से, वो हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड अ रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर द बिजनेस और प्रोफाइल, क्या इससे पहले आपने इस फॉर्म को फिल किया है? अगर आपने किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप इतना घबराएंगे परेशान होंगे तो गूगल कुछ हेल्प नहीं करने वाला, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। गूगल खुद से रिप्लाई कर देता है 24 से 48 घंटे के अंदर, अगर रिप्लाई अच्छा लगा कि इंस्टेट कर देगा तो ठीक है। रिप्लाई में आता है गूगल की तरफ से कि भाई आपके अकाउंट बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, हम इसको इंस्टेट नहीं कर सकते, तो आगे का स्टेप जो होगा वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसमें है कि नो कर दीजिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इस नो वाले ऑप्शन को चूज करिए। तो सेकंड आपसे सवाल आता है कि आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट, क्या आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो यस आप हैं, तो यस पे क्लिक कर लीजिए। डिड यू रीड द गूगल, आपने पढ़ लिया गाइडलाइन वगैरह? आपसे पूछता है कि भाई सस्पेंशन हुए हैं आपके, आपने गाइडलाइन पढ़ा है क्या? तो इसमें भी बोल दीजिए कि हाँ हमने पढ़ लिया, आप पढ़े या ना पढ़े आप इसको बोल दीजिए कि हाँ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली लोकेटेड एट द एड्रेस, ये सवाल करता है कि जो आपने एड्रेस डाला हुआ था अपने बिजनेस पेज में, क्या इनफैक्ट वहीं पे है आपका बिजनेस लिस्टिंग? तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। हैव यू इंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस, आपका जो स्ट्रीट एड्रेस वगैरह था, सर्विस एरिया वगैरह था, एड्रेस वगैरह था, सारा चीज एक्सेप्टेबल था यहाँ पे? इसको भी यस कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरिया, इन अदर वर्ड्स डज योर बिजनेस, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप अपने बिजनेस लोकेशन से हटकर अलग अलग जगह पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप इसमें से यस कर सकते हैं, नहीं करते तो नो कर सकते हैं। तो इसमें नो हमने किया हुआ था तो हमने नो कर दिया। डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स, अब इसी वाले मैटर में आकर फंसते हैं, डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स फॉर द सेम लोकेशन, हमारे साथ क्या थी मैं अभी रिवील करूं या आगे बताऊं आपको? आगे मैं बताता हूं। अगर आपके एक ही लोकेशन में एक से ज़्यादा बिजनेस लिस्टिंग है तब आपको यहां पे कहना पड़ेगा कि यस हमारे पास दो बिजनेस लिस्टिंग है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कहिए कि नो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अब रीइंस्टेटमेंट का रिक्वेस्ट है जो कि आपको इंटर करना पड़ता है, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं इसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो यहां पे नाम हमने दे दिया गौरव दुबे, अपना नाम आप इंटर कर दीजिए। नाम इंटर करने के बाद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, इसको हमने डाल दिया है। उसके बाद बिजनेस का नाम पूछा जा रहा है, इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो बिजनेस के नाम में देखिए आप एक भी कैरेक्टर को मिस ना करें, इस वजह से क्या करना है कि आपको सिंपली अपने इस वाले टैब में आना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने से क्या होगा कि एक भी कैरेक्टर मिस नहीं होगा, ठीक है। आपको भले ही नाम याद रहता है अपने बिजनेस का, लेकिन समटाइम्स होता है कि आपके कैरेक्टर मिस कर जाते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस, तो एड्रेस हमारे पास ये वाला है, हमने क्या किया इस वाले एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्फो वाले पार्ट में आकर जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है साफ साफ कि इस वाले URL को आपको कॉपी करना है, जो रेड से यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, रेड से यहाँ पे कवर किया गया है और ये रोड दिख रहा है आपको, सेम ए वाला URL आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आकर हमने इस URL को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये URL को हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब है कि आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रीडेड है यहाँ पे, ठीक है।
प्लस 91 चूज करना है, इंडिया का कंट्री कोड है आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने क्या किया था जिसके वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड हुआ, ठीक है, या आप कुछ रिक्वेस्ट वगैरह डालना चाहें तो आप यहाँ पे गूगल टीम को, गूगल माई बिजनेस टीम सपोर्ट टीम को, गूगल माई बिजनेस सपोर्ट टीम को आप यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज लिख सकते हैं कि हमने क्या किया था जिसके कारण अकाउंट सस्पेंड हुआ, या अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो कमी थी कि आप एक एक कि आप एक ही एड्रेस पे दो दो अकाउंट रखे हुए थे, ठीक है, या फिर आपके फोटोज किसी दूसरे के थे, ठीक है, आपके रिव्यू गलत थे, अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि इस कारण से हमारा क्वालिटी इशू हुआ हो, क्वालिटी इशू हुआ हो, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज लिखेंगे। तो जो भी आपको अगर मैसेज वगैरह लिखना है तो आप मैसेज लिखने के बाद फिर इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पर क्लिक करते ही गूगल के पास वो मेल चला जाता है और गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि एक से दो दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपके पास गूगल की तरफ से फीडबैक आएगा, ठीक है। तो गूगल की तरफ से जो फीडबैक आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, बिजनेस पेज का जो फीडबैक आता है। तो अब का जो टाइम है वो है गूगल के रिप्लाई का, क्योंकि गूगल आपको रिप्लाई क्या करता है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि गूगल ने मुझे क्या रिप्लाई किया जब हमने रीइंस्टेट के लिए डाला हुआ था। अभी मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिखाया कि किस तरह से आप रीइंस्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि काम को मैंने बहुत पहले कर लिया हुआ है, ये मई 21 को हमने किया हुआ है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, गूगल की टीम ऑलरेडी काफ़ी स्लो काम करती है, ठीक है। तो देखिए गूगल का रिप्लाई क्या है, गौरव, ग्रीटिंग फ्रॉम गूगल माई बिजनेस टीम, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग द गूगल माई बिजनेस टीम अबाउट योर किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डेली बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, और वी रिव्यूड योर रिक्वेस्ट एंड कैन नॉट रीइंस्टेट योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल एट दिस टाइम, इट कंटिन्यूज टू बी इन वायलेशन ऑफ द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइंस, योर प्रोफाइल हैज एक्टिवली फ्रॉम अ करेंट मैनेजर और ऑनर्स डैट वॉज सस्पेंडेड फॉर द वायलेटिंग गाइडलाइंस। अब इसमें क्या है कि हमारे टीम मेम्बर्स काफ़ी लोग हैं, तो हमारी जो बिजनेस लिस्टिंग थी वो अलग अलग मैनेजर्स के पास भी थी, ठीक है, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का काम करते हैं तो वो भी उस चीज़ को मैनेज करते हैं। हमने अपने लिस्टिंग के जितने भी मैनेजर्स थे सबको पहले रिमूव किया, ठीक है, ये उस कंडीशन में है जब गूगल मना कर देता है, साफ डिनाई कर रहा है गूगल कि हम रीइंस्टेट नहीं कर सकते अभी, उसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने अपने अभी सस्पेंशन हुआ क्यों उसको मैंने रिवील नहीं किया है, क्योंकि कारण आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हमारा भी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था कि किस कारण से हमारा सस्पेंशन हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, मैनेजर्स को हटा दिया, मैनेजर्स को हटाने के बाद फिर से हमने इनको अपील किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ मैंने फिर से इनको मेल डाला हुआ था, ठीक है, मैंने बोला कि मैंने मैनेजर को हटा दिया। मैनेजर को हटाने के बाद मई 22 को मैंने फिर से इनको कहा, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, आई हैव डन ऑल द चेंजेस गाइडेड बाय यू, प्लीज चेक एंड रीइंस्टेट माय बिजनेस पेज, आई एम मच टेंशन फॉर लास्ट फॉर 5 डेज, प्लीज रीइंस्टेट, ठीक है। अब हमने इसको बोला कि बहुत 4-5 दिनों से टेंशन में है हम, बिजनेस लिस्टिंग मतलब आधा बिजनेस, आधे कॉल्स आपके वहीं से आते हैं, बिजनेस लिस्टिंग से ही आते हैं, हमारा भी स्थिति वही है, आप इनसाइट हमारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास हमारे बिजनेस लिस्टिंग से। तो मैंने फिर से बोला, मैंने सोचा कि मैनेजर को हटा दिया है तो हो सकता है कि अब अच्छा रिस्पॉन्स मिले गूगल की तरफ से। उसके बाद देखिए गूगल की तरफ से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 23 को मैंने फिर से मेल किया इनको, हेलो सपोर्ट टीम, वेन विल माई बिजनेस पेज बी रीइंस्टेटेड, प्लीज लेट मी नो, आई एम लूजिंग मेनी कस्टमर्स इन दिस क्रिटिकल टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से 24 को मेल डाला, ठीक है, उसके बाद 24 को इनका रिप्लाई आता है फिर से हमारे पास कि हाय गौरव, ग्रीटिंग फ्रॉम गूगल माई बिजनेस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स सिंस अप्लाइज फॉर द डिले इन रीचिंग आउट। मैंने बोला कोविड के कारण ये लोग भी थोड़ा सा अभी इस टाइम में ये लोग भी अभी थोड़ा कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब डिले से रिस्पॉन्स दे रहा है। इसमें फिर से कहता है कि दिस ईमेल इज रिगार्ड टू योर बिजनेस पेज लिस्टिंग, रिगार्ड योर बिजनेस लिस्टिंग किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डैट आई हैव फॉरवर्डेड द इशू टू द स्पेशलिस्ट टीम, प्लीज बी एश्योर डैट आई वुड पर्सनली कीप अ चेक ऑन योर कंसोल सो डैट आई कुड गेट इन टच विद यू एंड फर्दर अपडेट वंस आई हैव अपडेट ऑन द। अब क्या है कि हमने जब इतने बार इनको रिपीट मेल डाला तो इन्होंने क्या किया कि अब एक स्पेशलिस्ट टीम को हमारे इस मेल को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब उनके पास जो भी स्पेशलिस्ट टीम होगी गूगल माई बिजनेस पेज का उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ये कुछ स्पेशल केस है, इसमें देखोगे क्या हो सकता है। वो अपनी टीम से बात की होगी, कुछ स्पेशल केस है यार, रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार देख लो अगर कुछ पॉसिबल है तो बताएंगे वो, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए ये मई 25 को, ये तो 24 का मेल था, 25 का मेल है, 25 में आया फिर से, योर बिजनेस किंग ऑफ इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले ऑन गूगल मैप्स पर आवर क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है।
आई अंडरस्टूड द इनकन्वीनियंस एंड द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बिजनेस दिस सिचुएशन माइट हैव कॉज्ड हाउएवर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई ऑलरेडी ट्राइड एस्केलेटिंग योर इशू टू आवर स्पेशलिस्ट एंड द रिस्पॉन्स दैट आई हैव रिसीव्ड देम। जो भी मतलब लिखा हुआ है साफ साफ है, इसका मतलब ये है कि हमने बहुत कोशिश किया, हमने स्पेशल टीम को भी दिया, ठीक है, लेकिन वो भी लास्ट में डिनाई कर दे कि भाई हम भी नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक, मैंने बोला कि भाई आप समझो इस चीज़ को, हर चीज़ करो। फिर लास्ट में उनका 11 दिन पहले का जून 2 जून को आया, ठीक है, कि एज मेंशनड अर्लियर आई ऑलरेडी ट्राइड एस्केलेटिंग योर इशू टू स्पेशलिस्ट एंड रिस्पॉन्स दैट ही हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम इज दैट योर बिजनेस इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले गूगल एक्यूरेटली रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस आइडेंटिटी ऑन गूगल कैन हेल्प इम्प्रूव हाउ यूजर्स पोटेंशियली। जो भी उनके गाइडलाइंस होते हैं, अप्लाइज फॉर द इनकन्वीनियंस काउड एंड रिक्वेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग है द प्रोसीजर वॉज इन इंटरनल, प्रोसीजर इंटरनल होता है। मैंने इनसे पूछा था पिछले मेल में कि कारण क्या है कि हमारी बिजनेस लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं हो रही है, सस्पेंशन में ही है अभी तक, हमने काफ़ी सारे चेंजेस कर लिए। तो उन्होंने बोला कि जो भी रीजन होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं और इंटरनल टीम उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुकी है और उसके बाद भी आपका जो सस्पेंशन है वो हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इतने सारे मेलबाजी करने के बाद फिर से मेरे दिमाग में आया कि आज से 6-7 साल पहले मेरे एक बिजनेस क्लाइंट के लिए हमने काम किया था, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस था वो काम आया मेरे लिए। उस समय मैंने क्या किया था कि उस समय भी इसी तरह से मेलबाजी काफ़ी हुई थी सपोर्ट टीम के साथ हमारी, और मेलबाजी के बाद निष्कर्षण ये निकला था कि वो हमारे इस पेज को लाइव नहीं करेंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि उस समय एक नया बिजनेस पेज बनाया था, ठीक है, नया बिजनेस पेज बनाया था, और नया बिजनेस पेज बनाने के बाद हमने दोनों का जो आईडी होता है, इसका यूआरएल और नए वाले का यूआरएल, दोनों हमने गूगल टीम को भेजा था और हमने उनको साफ साफ लिखा था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे वाले मेल में कि हमने क्या किया लास्ट में। ये है मेल, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको भी ये चीज़ समझ जाइए कि करना क्या है कि जब गूगल डिनाई कर देता है लाख कोशिश के बावजूद भी आपका पेज रीइंस्टेट नहीं हो रहा है, तो एक आपको नया बिजनेस पेज बनाना है। ठीक है, अब आपके मन में थोड़ा सा डर आया होगा कि अगर नया बिजनेस पेज हम लोग बनाते हैं तो जितने भी हमारे पुराने रिव्यू हैं, रेटिंग हैं, ठीक है, हमारा जो पॉपुलैरिटी है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन आप डरिए मत, वो सारा कुछ भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपको लगातार गूगल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाकर गूगल आपको हेल्प करेगा। तो हमने गूगल को मेल डाला हुआ था, उसके रिगार्डिंग गूगल का रिप्लाई आया था ये 9 जून को। सोचिए, मई से कहानी स्टार्ट हुई है और जून तक आ गए हम, लगातार काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हमने गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं करेंगे तो आपकी बिजनेस लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग गूगल माई बिजनेस सपोर्ट। अब हमने क्या किया कि इनकॉर्पोरेटेड मार्केटिंग से बनाया, क्योंकि दिल्ली वर्ड वहाँ पे लगा हुआ था, तो वो हमने सोचा कि स्टफिंग का वर्ड है वो, ठीक है, दिल्ली जो है हमने सोचा कि प्रमोशनल वर्ड है, इस वजह से हमने उसको हटा दिया। एज पर योर कंसर्न वी अंडरस्टैंड दैट यू वुड लाइक टू हैव द रिव्यू लेफ्ट ऑन द प्रीवियस लिस्टिंग ट्रांसफर टू द न्यू लिस्टिंग। We also understand that you are concerned about the phone number not showing up on Google search and map. We would like to inform you that we are currently looking into your concern and would try to have your concern resolved at the earliest. Do not worry, we would get back within 24 to 48 hours. अब देखिए हुआ क्या, हमने बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट किया, बिजनेस लिस्टिंग तो क्रिएट हो गया, आप भी करेंगे तो हो जाएगा नया क्रिएट, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। लेकिन आजकल की कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे फोन नंबर नहीं दिखते। आप जो भी नया बिजनेस लिस्टिंग कर रहे होंगे, रेयर केस में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे फोन नंबर लाइव हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि फोन नंबर को अंडर रिव्यू रख रहा है काफ़ी दिन तक, उसके बाद लाइव हो रहा है। मेरे भी कंडीशन में नेम हो गया, एड्रेस हो गया, हर चीज़ हो गया, फोटोज वगैरह मैंने कुछ डाल दिए थे जो हमारे पास थे, ठीक है। उसके बाद हमने मेल किया गूगल टीम को कि हमारे नंबर और हमारे रेटिंग और रिव्यू जो पुराने वाले थे वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप इसमें हेल्प करो। गूगल ने 24 घंटे के अंदर सारे रेटिंग रिव्यूज को हमारे जो पुराने वाले अकाउंट में थे उसको ट्रांसफर करके नए वाले में दे दिया। तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी हमारी दिक्कत वाली, वो रेटिंग और रिव्यू थी कि उतने हमारे जेन्यून कस्टमर हैं, सबका रेटिंग और रिव्यू है जो हमारे पेज में, वो कैसे गेन किया जाए दोबारा। तो वो जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है, ये 4 दिन पहले का मेल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेटिंग रिव्यू के बाद उन्होंने फिर से फ़ोन नंबर को लाइव नहीं किया, तो हमने उनको फिर से डाला हुआ है एक मेल दोबारा कि हमारा फ़ोन नंबर और जो फोटोज थे वो अभी तक नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए, कल का है, एक दिन पहले का, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, फिर से वही पेज है, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर कंसर्न अबाउट द फोन नंबर नॉट शोइंग ऑन गूगल मैप सर्च, आई एम सेंडिंग योर क्वेरी टू स्पेशलिस्ट एंड अनदर टीम हु इज बेस्ट इक्विप्ड टू एड्रेस योर क्वेश्चन, वी रिक्वेस्ट यू टू अलाउ 24, अभी 24 घंटे हुए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ 24 घंटे का, और अगर ये फ़ोन नंबर दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है, लगातार कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन से सारे चीज़ का हल होता है। कहा गया है कि अगर आप बात करना बंद कर देते हैं तो कोई भी काम नहीं होता, कहीं पर अगर काम खराब हो रहा है आप बात को जारी रखिए, बात करने से सारा समस्या का समाधान मिल सकता है।
तो ये कुछ टिप्स था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, वीडियो काफ़ी लंबा है ठीक है, अगर आपने पूरा देखा है तब तो मुझे कंफर्म है कि आपके अंदर भी वो साहस आई होगी लड़ने की, अगर आपका बिजनेस पेज सस्पेंड हो जाता है तो साहस के साथ लड़िए, और लड़ना भी नहीं है, गूगल के साथ कम्युनिकेट करना है आपको, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं ठीक है। आज हमारी बिजनेस लिस्टिंग जो है वो लाइव है ठीक है, और लाइव होने के कारण मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से लाइव है, वहाँ पर सारे रिव्यू वगैरह आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो फ़ोन नंबर है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये देखिए सारे 102 रिव्यू थे हमारे, वो आ चुके हैं, फ़ोन नंबर नहीं, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह सारा चीज़ है यहाँ पे, सर्विसेज हैं, कैटेगरीज हैं ठीक है, सारे रिव्यूज हैं, और ये जो डेली पोस्टिंग होते हैं वो सारा चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से जो हमारी बिजनेस पेज है वो लाइव हो चुकी है। एक चीज़ और जो मैंने बोला कि मैं लास्ट में बताऊंगा, हमारी जो बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हुई उसका सबसे कारण ये था कि हमारे बिजनेस के एड्रेस पे और भी लिस्टिंग हुए थे, तो हमने क्या किया, वो सारे लिस्टिंग को हमने एड्रेस चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद हमने सिर्फ ये वाला एड्रेस इसी लिस्टिंग के लिए रखा है, और इस वजह से गूगल अब इसके ऊपर वर्क कर रही है ठीक है। अगर आप अभी भी गलत करेंगे तो गूगल हमेशा आपके बिजनेस लिस्टिंग के साथ गलत करेगा और वो सस्पेंड कर देगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें ठीक है। ये चीज़ था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अलग अलग बिजनेस को एक ही जगह पे आप लिस्ट करेंगे तो भी आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, और हमारे कंडीशन में यही एक रीज़न था, क्योंकि हर चीज़ मैंने सही कर लिया, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसको सही करके मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया तो हमारा सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अगर इतना करने के बाद भी आपको अपना बिजनेस रिस्टार्ट करने में हेल्प नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल डालिए ठीक है, अगर हमें टाइम रहा तो हम आपको फ़ोन करके ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इतना लंबा वीडियो हो सकता है तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, अगर किसी को दिक्कत आती है बिजनेस पेज लिस्टिंग को रिस्टार्ट कराने में तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हमने स्टोरी टाइप बताया हुआ है और सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने आपको दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, थैंक यू।